मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो चार पांच विषय हम बोला, चार पांच विषय जो हम बोल रहे हैं हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये पांच दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखी क्या दे रहा है, तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें। मगर वो लिख के देंगे, मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे, मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं, कल कोई मीटिंग नहीं होगा, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? वो जो पांच सात दिन से जो आपको बताया गया है, वो पीएमसी है, वो जो है ये मीटिंग बेनतीजा समझते हो आप? ये जो मीटिंग है बेनतीजा समझते हो आप? ये जो अभी बैठक हुई आपकी, मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी ओ एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल, हम लिख के दे देंगे, आप इसको विचार करो करके आओ, फिर परसों आप पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात भी वापस करने के लिए तैयार नहीं है। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा कहना है कल सुबह वो भेजेंगे, कल हम मीटिंग करेंगे दोपहर में सब संगठन। हमारा मिनिस्टर जो बोला है, हमारा सारे जो 40 लोग है कल 12 बजे उसको बताएंगे और वहाँ से फैसला करेंगे। मगर जो लगता है वो हटने का तैयार नहीं है, शायद हमारा लिए दोबारा बैठक में आने का संभावना कम है। इतना दिन लगा, 6 महीना बाद प्रपोजल दिया, 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता, आज आंदोलन टिप्पिक में पहुंच गया, कुछ लिख के देंगे अमेंडमेंट क्या करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया, एक तरह से एकता आ गई है, यूनिटी आ गई है। दोस्तों आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बन के बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ही मैंने प्लान कर रखा था, मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चाहिए, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि यह आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो। ऐसा कई सेक्शंस में क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी अपने यूजुअल जो है रूटीन के हिसाब से मूव कर रहे हैं, कहीं पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। कल जब अरविंद केजरीवाल जी सिंघू बॉर्डर गए थे किसानों से मिलने के लिए, उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद से हाउस अरेस्ट कर रखा है। कल से जब से सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका पर्सनल स्टाफ भी बाहर जाना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते। MLAs ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनसे आना चाहते हैं, MLAs को मिलने के लिए नहीं आने दिया गया, बल्कि MLAs की पिटाई तक की गई जो MLAs मिलना चाह रहे थे। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के
किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आएं, सड़क पे ना निकल आएं। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है। आज जिस तरह अपील की गई है, कई 16 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां इसको समर्थन कर रही है, भारत बंद को करेंगे। देखिए, ये राजनीतिक बंद नहीं, यह हमारी भावना है। जो किसान संगठन दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के पास दिमाग के बात छोड़ दीजिए, दिल भी है, तो सरकार खुद जाकर, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, खुद जाकर उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। राकेश जी, आज 3 बजे तक आप लोगों से समय दिया था क्या? वो हो गया, अब होम मिनिस्टर से मीटिंग है, अभी 7 बजे होम मिनिस्टर से मीटिंग है, वहाँ पे जा रहे हैं उधर। और उसके क्या सिंगू बॉर्डर भी जाना है उसके बाद? वहाँ पे, यहाँ पे सिंगू बॉर्डर जाएंगे, वहाँ से सब लोग, होम मिनिस्टर से मीटिंग है, वहाँ पे जाएंगे। आज भारत बंद का जो आह्वान, अच्छा रहा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, सबका धन्यवाद, जो जिसने भी इसमें शामिल हुए सबका धन्यवाद है। यहाँ पर गोल्डन गेट पर जो नेशनल हाईवे 1 है वो बंद कर दिया है, और इसी तरह से आगे लगातार जो है 3 बजे तक बंद रखेंगे। तब तक कृषि के कानून वापस नहीं लिए जाते तो ये आंदोलन लगातार इसी तरह से
जारी रहेगा और पूरे देश में ये बंद का पूरा हमें सहयोग मिल रहा और पूरे देश में 11 से लेकर 3 बजे तक बंद भी कामयाब से चल रहा है। किसान की सही मांग थी कि लागत मूल्य के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। वो लाभकारी मूल्य कैसे, वो स्वामीनाथन ने बताया, लागत मूल्य प्लस 50%। कांग्रेस ने अपने 8 साल में रिपोर्ट आने के बाद कभी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने दिया। तो देने के बाद अब MSP भी कॉस्ट प्लस 50% मिलने लगी और MSP जैसे 55 साल मिल रही है, फॉर्मूला बदला लेकिन MSP की व्यवस्था जैसे 55 साल थी वैसे ही आगे चालू रहेगी। तो ये स्पष्ट आश्वासन है, APMC भी है, तो यही आधार पर हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है, क्योंकि ये जो विपक्ष दल है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया है अपने राज्यों में, इन्होंने APMC कानून में सुधार किया है, मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि आज किसान 2 हफ्ते से रोड़ों पर बैठा है और आज पूरे भारत बंद का आह्वान दिया है। ऐसे माहौल में सरकार की तरफ से जिस तरीके का रिस्पांस पिछले 24 घंटे से आना शुरू हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसान का इस आंदोलन, किसान की जो मांग है, इस मांग के साथ पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पूरी ताकत से खड़ी है, क्योंकि ये कानून ना जनता के हक में है, ना किसान के हक में है, और ना ये कानून लॉयर्स के लिए भी ठीक है।